मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा ने दावा किया है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी 29 सीटें जीतेगी। इस दौरान डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। वहीं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा ने मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों पर जीत के साथ अपने वोट शेयर को 10% बढ़ाने की बात कही। लोकसभा चुनाव के लिए 6 चरणों में मतदान संपन्न हो चुका है। 7वें आखिरी चरण में शनिवार 1 जून को वोटिंग होगी। इससे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। सीएम मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस दो दल हैं। कांग्रेस में लगातार पतन की स्थिति बनी हुई है। राहुल गांधी अमेठी सांसद रहे, लेकिन ऐसी पटकनी खाई कि वहां से भाग खड़े हुए। 29 में से 27 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है और कहते हैं कि हम दमदारी से लड़े, कि ऐसी दमदारी से लड़े कि बराबर की सीट पर भी लोगों को खड़ा नहीं कर पाए। सीएम मोहन यादव ने कहा कि 48 के तापमान में भी हमने रोड शो किए। कार्यकर्ताओं और जनता का उत्साह देखकर निश्चित ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बहुमत से सरकार बन रही है। जिस चुनाव में इतने लंबे अभियान का माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री ने नेतृत्व किया, और ये भी हम सब देख ही रहे हैं कि जो जो एक बार कहा 2014 में पूर्ण बहुमत मिला, 2019 में 300 पार तो 300 पार हुए, और अब की बार 400 पार तो 400 पार के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कांग्रेस का मनोबल कितना गिरा हुआ है, आप इसका अंदाज लगा लो कि 3 बार के सांसद थे, उनके पैतृक सीट थी अमेठी, लेकिन एक बार पटकनी खाई तो ऐसे भागे कि केरल के आगे समुद्र आ गया। लोग कहते नहीं तो अरब में जाके लड़ते चुनाव, जगह ही नहीं मिलती, दिन को भारत खत्म हो जाता हूं। और उस चुनाव की धमक ऐसी हुई कि दोबारा जब वापस चुनाव का मौका आया तो आप अपने कांग्रेस के लोगों का मनोबल कैसे बनाए रख सकते हो। जब चुनाव में हार जीत होती है कोई बड़ी बात नहीं, इंदिरा गांधी भी हारी लेकिन अपनी सीट पे भी लड़ने की हिम्मत नहीं। और उससे बढ़कर और एक तमाशा देखो कि जो जीत रहे हैं वो सीट छोड़ के भाग रहे हैं। सोनिया गांधी जी को क्या कष्ट है, इस उम्र में कोई बहुत अंतर नहीं था, लेकिन सोनिया गांधी जी जीती हुई सीट छोड़ रही और एक हार के भाग गए। तो आप मैदान तो वैसे मनोबल कार्यकर्ताओं का बना हुए कैसे। इसका उल्टा देखो, माननीय मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं, माननीय अमित जी चुनाव लड़ रहे हैं, पूरे देश में कैंपेन कर रहे हैं। तो चुनाव लड़ना किसको कहते हैं? चुनाव को लड़ने के लिए आपके अंदर की आत्मा आपके साथ खड़ी है कि नहीं खड़ी, आपका मनोबल खड़ा है कि नहीं खड़ा, आप उसको फेस कैसे करना चाहते हैं। और जैसे हमने सबने देखा, अब ये कोई कारण नहीं बनता कि मध्य प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी से कांग्रेस गठबंधन करे, लेकिन ये कांग्रेस का डरा हुआ अंदर का जो चोर है, जिसने पिछली बार की पटकनी है उसके पहले की पटकनी है, लगातार खाते हुए ये मजबूरी के चक्कर में। और हमने देखा कि मां तो गठबंधन में दे दी और बाकी जगह 29 में से पहली बार 27, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि 29 की जगह 27 के चुनाव कांग्रेस ने लड़ा। आजादी के बाद ये बड़ा नया इतिहास बना है कांग्रेस, और उसके बाद भी कितनी सफाई से, मैं तो समझता हूँ कितनी हिम्मत जुटा के बोलना पड़ता कि हम बहुत दमदारी से लड़े। कभी इतना ही बोल दो लड़े कितनी सीट पे, तो दम तो वैसे निकल गया जिनका बराबर की सीटों पर लड़ने का दम नहीं, वो दमदारी किसको कहते हैं। मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि पूरे देश में जिस तरह से जनता ने आशीर्वाद दिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में भी ऐतिहासिक सफलता भाजपा को मिलेगी। उन्होंने भरोसा जताया कि मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटें भाजपा जीतेगी। वीडी शर्मा ने कहा कि 80% बूथों पर इस बार भाजपा बहुमत के साथ जीतेगी। हम मध्य प्रदेश में 10% वोट शेयर बढ़ाने में सफल रहेंगे। यहाँ के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से चुनाव का अभियान और जनता ने प्रधानमंत्री जी को जो आशीर्वाद दिया, मध्य प्रदेश में मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं कि जिस प्रकार से विधानसभा के अंदर मध्य प्रदेश की जनता ने मध्य प्रदेश के मन में मोदी और मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश के अभियान को जो एप्रिशिएट किया था और मध्य प्रदेश की जीत का सबसे बड़ा आधार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जनता ने जो आशीर्वाद दिया, लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को मध्य प्रदेश के अंदर भी इस चुनावी अभियान में ऐतिहासिक सफलता मध्य प्रदेश को मिलेगी। मध्य प्रदेश का हमारा नेतृत्व हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी,
भारतीय जनता पार्टी का हमारा वरिष्ठ नेतृत्व सबने मिलकर एक टीम स्पिरिट के साथ मध्य प्रदेश के लोकसभा के चुनाव को हमने जो कैंपेन किया, आज मुझे बताने में आप सबको गर्व है कि उस कैंपेन के आधार पर आज हम मध्य प्रदेश के अंदर 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक बहुमत से जीतेगी। हम सब लोग इस बात को जरूर कहते हैं कि प्रशंसाएं होती रहती हैं, कभी कभी श्रेय भी मिलते रहते हैं, लेकिन जिसको कहा जाता है ना कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया नाम हमारा हो रहा है, तो हम सब लोग तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उन्हें जनता आशीर्वाद दे रही है। हम लोग मेहनत और परिश्रम के साथ एक टीम भावना के साथ उनके साथ लगे हैं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।